आप सभी को नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। इन दिस वीडियो मैं अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से लास्ट 3 वैकेंसी हमने इजिली क्लियर किया विद प्रीटी गुड मार्क्स। प्रीटी गुड मार्क्स का मतलब होता है कि आप इतना मार्क्स स्कोर करो ताकि आपको मेरिट के लिए सोचना ना पड़े। दैट मीन्स 80+ क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी मैंस, ठीक है। सो अगर आप दरोगा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ठीक है, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो में थोड़ा लेंदी होगा, बट मेक श्योर ये मोस्ट डिमांडिंग जो वीडियो में से ये एक है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से हमने प्रिपेयर किया था। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई हैव नेवर अटेंड कोचिंग, मतलब ये जो जीएस का जो कोचिंग होता है, जनरल स्टडीज का जो कोचिंग होता है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो कोचिंग होता है, हमने कभी अटेंड नहीं किया है, ठीक है। ये इवन मतलब सिंस 2018 मैं पढ़ा रहा हूँ कि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लासेस लेता था अनअकैडमी पे, ठीक है। तो सिंस 2000 आई एम वर्किंग एज ए एडुकेटर ऑल्सो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने जो फॉलो किया था, चाहे वो दरोगा हो चाहे ESI हो, क्या ऐसा फॉलो किया ताकि हम इन तीनों एग्जाम को इजिली प्रॉपर विथ प्रीटी गुड मार्क्स हमने क्लियर किया। देखो ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने क्लियर किया, ठीक है। ऐसा ये नहीं कि मुझे बताना है कि मैंने क्लियर किया, ये उनके लिए, और ये मैं मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि जो नए लोग आते हैं, जो नए लोग आएंगे, दे विल हैव ए ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये पता चले कि हाँ ये चीज़ इन्होंने कर रखा है, तो जो ये चीज़ बताएंगे अगर हम वो करते हैं तो डेफिनेटली वो भी इस एग्जाम को बहुत ही आराम से निकाल के ले जाएंगे विद प्रीटी गुड मार्क्स। प्रीटी गुड मार्क्स का मतलब होता है आप फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो कोई यूज नहीं रह जाता, ठीक है, ये चीज आप समझ लो। चलो तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से डील किया था, और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मैं एज ए एडुकेटर भी काम करता हूं, तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। बट अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर करते हो, यू विल इजली क्रैक दिस एग्जाम, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए और आप मेंस में 80+ लेके आओगे। बट वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए प्रिपेयर आपको अभी से करना है, क्योंकि जो इट विल लाइक ए वार, ओके, एक ये वार की तरह है। अगर वार में आपको जीतना है तो डेफिनेटली है कि आपको उसका प्रिपरेशन लेवल भी उस तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। बोलते हैं ना, वार में जो जाते हैं वो सोल्जर्स जाते हैं, और सोल्जर्स क्या होते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। तो यू नीड टू बी लाइक ए सोल्जर्स इफ यू वांट टू विन दिस वार, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि साइंस का मैंने क्या किया था। देखो साइंस सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगा जो जो चीज़ मैंने फॉलो किया था। तो साइंस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम हमेशा कहते हैं, यू नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स आपको अपना प्रिपेयर करना है। मैं एक सब्जेक्ट का डिटेलिंग बताता हूँ कि किस तरीके से हमने किया था, वही चीज़ मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए भी किया था। जैसे कि देखो साइंस में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि बायोलॉजी, ठीक है, और एक है आपका बोटनी, ये दो ऐसे सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स से लिमिटेड सवाल आता है और वो फिक्स रहता है कि यहां से पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप डायरेक्टली लूसेंट फॉलो कर सकते हो। बट जो आपका बोटनी और जो बायोलॉजी है, इसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। सर अब नोट्स कहां से मिलेगा? देखो नोट्स तो एक तो आप कहीं भी, अगर आपने कोचिंग किया तो उनका नोट्स होगा, ठीक है। तो नोट्स अपने पास आप जरूर रखें। अब नोट्स का देखो यूज कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि ये मेरा नोट्स है, ठीक है, ये साइंस का नोट्स है, ठीक है, ये साइंस का नोट्स है, इस तरीके से मैंने बनाया। तो आप जब पढ़ते हो, ठीक है, यही चीज सब चीज में लागू होगा। जैसे कि रेस्पिरेशन का, मैंने खोल के रखा है, ठीक है। तो जब भी आप नोट्स बनाते हो, वो आपका खुद का नोट्स होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। और जैसे कि हमने लास्ट जो ये वैकेंसी था, उसमें हमने क्या किया था, दो बैचेस हमने चलाए थे दरोगा के लिए, ठीक है, उसमें मैंने अपना नोट्स प्रोवाइड किया था। बट सिर्फ नोट्स अगर मैं दे दूं तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, मुझे पहले आपको वीडियोस देने पड़े थे, वीडियोस से आपने चीजों को समझा, मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था। तो अपना नोट्स आप खुद प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद जब आप नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप बुक्स भी पढ़ते हो, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज जो बुक्स में है वो मेरे नोट्स में नहीं है, तो उसको आप इंक्लूड करते जाओ, समझ में आया। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जैसे कि प्रैक्टिस सेट मैंने लगाया और मुझे पता चला कि क्वेश्चन आया था ग्लाइकोलाइसिस पे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पे आया था या पाइरुविक एसिड पे आया था, कि किस तरीके से रिएक्शन होता है, किस तरीके से ये चीज़ें टूटती है, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरे नोट्स में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो क्वेश्चन पढ़ा, मुझसे गलती अगर हो गई तो मैंने उस रिएक्शन को देखा और मैंने फिर उस रिएक्शन को यहां लिख डाला। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को आपको फॉलो करना है, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे आपका वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री का आपने नोट्स बनाया, ठीक है, हिस्ट्री में कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन मिले जो आपने आज तक नहीं देखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लो कि आपने एक मुगल से आपका एक क्वेश्चन गलती हो गया, तो मुगल में किस राजा से वो क्वेश्चन गलती हो, फिर से वहां से वो वन लाइनर जाके अपने नोट्स में लिख लो, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो साइंस का भी मैंने ऐसे ही किया, बोटनी का हो चाहे बायोलॉजी का हो, मैंने अपने नोट्स बनाया। उसके बाद जो बुक्स मैंने फॉलो किए थे साइंस के लिए, मैंने लूसेंट पढ़े थे, साइंस के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था, ठीक है, जो कंबाइंड वाला लूसेंट आता है, ठीक है। और उसमें लूसेंट में सिर्फ एक चीज मैं फिर से बता दूं, अगर आपको साइंस स्ट्रांग करना है तो आपको हर एक चीज समझना होगा, ठीक है। मान लो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसको यूट्यूब में जाकर उस टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो साइंस का चीज यही रहा कि साइंस को अपना आपका नोट्स खुद बनाइए, ठीक है, स्पेशली बायोलॉजी और बोटनी का, ठीक है, प्लस आप लूसेंट फॉलो कीजिए।
ठीक है। लूसेंट में आप कुछ नहीं समझ पाओगे, मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ भी नहीं समझ पाओगे, वो सिर्फ डाटाज दिए हुए हैं जो आपको मेमोराइज करना है, ठीक है, वहां समझने के लिए कुछ भी नहीं है, ये चीज समझना, ठीक है। और मैंने पढ़ाया है ये सब चीज, तो ये चीज मेरे अंदर है, ठीक है, और ये चीजों को मैंने समझाया, और यही चीज मैंने आप लोगों को भी समझाया था जो हमसे जुड़े हुए थे, क्वेश्चन सब आपने बना लिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंस का। उसी तरीके से मैंने जो हिस्ट्री का जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किया था, वो किया था मैंने एडुटेरिया से, ठीक है। अब एडुटेरिया से किया था, चाहे एंशियंट हो, चाहे आपका मीडिएवल हो, चाहे मॉडर्न हो, और अगेन वही चीज करता था, जैसे कि यूपीपीसीएस का क्वेश्चन हो गया, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन हो गया, जो वन लाइनर जो मुझे नहीं पता था, जैसे कि हम घटना चक्र करते थे, तो जो नहीं पता था उसका वन लाइनर मैं क्या करता था, जिस टॉपिक से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया उसको उठा के मैं उसमें लिख देता था। तो ये चीज आपको समझ में आ कि मैक्सिमम मैंने अपना नोट्स प्रिपेयर किया था, और क्वेश्चन जब लगाता था जो क्वेश्चन मुझसे नहीं पता था उसको मैं नोट्स में लिख लेता था। बेसिक बुक साइंस के लिए मैंने लूसेंट फॉलो किया था, और जीएस के लिए, जैसे कि हिस्ट्री के लिए मैंने और कौन सा चीज फॉलो किया, तो ध्यान से समझ लो, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, इसका पेज बाय पेज मैंने रंग दिया था, अगर आप देखना चाहोगे, ये है आपका, ये है आपका एनसीईआरटी सार, ठीक है, एनसीईआरटी सार, ठीक है, महेश वर्णवाल का, इसका मैंने पेज बाय पेज हिस्ट्री का, बहुत बढ़िया ये बुक है हिस्ट्री के लिए, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अच्छा है, आप मैंने इसको फॉलो किया था, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी, सबके लिए। अभी हिस्ट्री का बात करते हैं, हिस्ट्री के लिए मैंने सबसे पहले नोट्स बनाया था, वो है आपका एडुटेरिया का मैंने नोट्स बनाया था, प्लस जो एमपीपीसीएस यूपीपीसीएस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं घटना चक्र से, उसको मैंने पढ़ा था, लगता था कि मुझे ये नहीं पता है, तो उसको मैं वन लाइनर के फॉर्म में उसी टॉपिक को जाके अपने नोट्स में लिख लेता था, समझ में आया। प्लस जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो हर सब्जेक्ट के लिए मैंने फॉलो किया था, वो एनसीईआरटी सार अपने पास आप जरूर रखिएगा, ठीक है। प्लस आपका जो मैंने जो साइंस जो मैंने पढ़ा था अपना नोट से पढ़ा था, और जो बेसिक एक बुक मैंने साइंस के लिए जो फॉलो किया था, वो है आपका लूसेंट। बट बाकी जितने भी जीएस जो मैंने पढ़ा था, वो मैंने पढ़ा था ग्राउंड से, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया, ये आपका साइंस हो गया, ठीक है, मैंने इस तरीके से बता दिया। चलिए अब ये जब हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ये दो मेन पोर्शन है, उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी के लिए भी देखिए मैंने पतला सा एक नोट्स मैंने नोट्स बनाया था। आप बोलोगे सर सब में आप यही बोलो, हाँ नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स मस्ट है, चाहे बीपीएससी का आप प्रिपेयर करो, चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर करो, पॉलिटी में मैंने नोट्स बनाया, वही चीज मैं करता था, अगर कुछ नया मिल जाता था जो मुझसे नहीं पता था तो मैंने अपने नोट्स में उसको लिख दिया करता था। अगेन जीएस के लिए मैं फिर से बता दूं, जीएस के लिए अगर बुक का बात करो तो एनसीईआरटी सार मैंने फॉलो किया था, क्राउन फॉलो किया था, और मैंने घटना चक्र भी पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था, और घटना चक्र का भी मैंने पतला पतला शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना दिया था चैप्टर वाइज, क्योंकि घटना चक्र बार बार आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि काफी मोटा सा बुक है, तो मैं क्या करता था उसका भी शॉर्ट नोट्स था, और जो नहीं पता था फाइनली मैं अपना मतलब जो नोट्स था उसमें मैं ऐड कर देता था, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए एज सच कोई मैंने नोट्स नहीं बनाया, ठीक है, बट क्योंकि इसमें फिक्स रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि रिवर्स से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो रिवर्स से पूछ लिया जाता है, दरे से पूछ लिया जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया, और ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है आपको इसमें आपको क्राउन, और जब आप ये पढ़ोगे एनसीईआरटी सार, अब देखो एनसीईआरटी सार में भी एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो इस तरीके के ना शॉर्ट नोट्स में बनाता था, ठीक है, और वही एनसीईआरटी का मान लो कि मैं अर्थक्वेक एंड सुनामी पढ़ रहा हूं, ठीक है, अर्थक्वेक एंड सुनामी पढ़ रहा हूं, ठीक है, भूकंप और सुनामी, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज जो इसमें नहीं है, ठीक है, उसका मैं शॉर्ट नोट्स बना के इधर ही चिपका देता था या इसके ऊपर लिख देता था, ठीक है, मतलब वही करना है आपको, ठीक है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे तो नहीं होगा, आपको उस चीज को लिख के रखना है और याद करते रहना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए एज सच कोई टेंशन नहीं लेना है, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी सार पढ़ो और क्राउन पढ़ो, इनफ है। प्लस मैं फिर से बता देता हूँ, हर एक सब्जेक्ट को मास्टरी करने के लिए पहले तो आपको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी भी मैंने इसी से किया था, अपना नोट्स बनाया था, ये चीज आपको एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। नोट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, तो प्लीज नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एट द एंड जब आपका एग्जाम नियर बाय होगा तो आप सब बुक नहीं देख सकते हो, एक बुक आपके पास रखना चाहिए, जैसे कि लास्ट में मैं जो रिविजन करता था नोट्स से करता था, प्लस आपका क्राउन का जो ये सॉरी क्राउन बोल रहा हूँ ये कॉस्मोस का जो है इससे मैं रिविजन करता था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आते हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, ठीक है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने क्या किया था कि शॉर्ट वीडियोज मैंने बहुत सारे बना रखे, छोटे छोटे वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जितने भी चाहे वो आपका जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हो वर्ल्ड में, प्लस आपके जो ग्रास लैंड हो, चाहे डिफरेंट जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जितने भी टॉपिक होते उसका मैंने शॉर्ट वीडियोस बना रखा था, और वही चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ने के लिए वो चीज दिया था, ठीक है। तो ये चीज था, इसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ, ठीक है, तो आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते हो तो वह आपको हर एक एग्जाम में, देखो एग्जाम क्रैक करने का मेथड ही यही था कि मेरे खुद के नोट्स थे, ठीक है, और अगर कुछ नया मिल भी जाता था तो मैं उसको अपना इसमें ऐड कर लेता था, और बुक में मैंने जो बुक पढ़ा था, एक आपका क्राउन पढ़ा था जीएस के लिए, साइंस के लिए मैंने पढ़ा था लूसेंट, और जो एक जो थ्रूली एकदम बोला जा सकता है कि पेज बाय पेज जो मैंने पढ़ा था वो है आपका एनसीईआरटी सार, जो हिस्ट्री के लिए बहुत ही मस्ट है, जरूर आप पढ़िएगा, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
और इन्वायरमेंट भी आप एनसीईआरटी सार से कर सकते हो बहुत ही अच्छा से, जितना आपको दरोगा में चाहिए उतना आपको दिया हुआ है। इन्वायरमेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने बता दिया, और जो करंट है, करंट के लिए मैंने जो फॉलो किया था सबसे पहले वाले वैकेंसी में मैंने फॉलो किया था बस स्पीडी, उसके बाद मैंने आपका जो एडिटोरिया होता है वो भी हमने फॉलो किया था, ठीक है। तो देखो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ओके एक मिनट, ओके। सो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई। लास्ट में आपको ये बताना कि मैंने एक नीचे लिंक दे दिया, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मैं रोज वीडियो बना पाऊँ अभी एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अभी मैंने एक नीचे लिंक दे दिया है, ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, व्हाट्सएप पे चले जाओ, आप मेरा नंबर सेव कर लेना, ठीक है, नंबर ड्रीम डोज के नाम से सेव कर लेना, और जैसे ही आप सेव कर लोगे तो जो भी मैं स्टेटस डालूंगा आपको वो दिखेगा। जैसे कि कल ही हमने स्टेटस में आपके लिए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको याद हो कि मैथ्स का इस बार को जो दरोगा का जो मैथ्स का मेंस पेपर था, मैथ्स और रीजनिंग का, हर चीज़ मैंने सिर्फ स्टेटस में ही डाल दिया था, उससे पहले एग्जाम से पहले मैंने सब आपको मैथ्स उस टाइप के करवा दिए थे। तो स्टेटस में मैं बहुत चीज़ डाल दिया करता हूँ, जैसे कि कल हमने एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर डाला था, ठीक है, जितने बिहार में इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है वो जहां से सीओ शॉट क्वेश्चन आते हैं, तो लिंक नीचे होगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ में किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, और बस यही है, पढ़ते रहना है, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है तो कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो, ठीक है, अगर आपने मेंस भी क्लियर किया और पीईटी में बहुत लोग हैं कि जिनको मैं जानता हूँ जिनका नहीं हुआ है, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी लाखों लोगों से आगे हो, ठीक है, बस इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए, आपका तो सीओ ही है, ठीक है, और जो नए लोग हैं उनको डबल मेहनत करना है ताकि जो पुराने लोग हैं उनको आप बीट कर पाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज, जय हिंद।